हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज अपना टॉपिक है लोक व्यय लेखा। लोक व्यय पर नियंत्रण, वित्त नियंत्रण पर विधायिका का नियंत्रण कैसे होता है। देखिए, भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है कि वित्त के मामले में सरकार कोई अनियमितता नहीं करें। इसके उद्देश्य में वित्तीय अनुशासन साधने के लिए संसद को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। सरकार संचित निधि से कोई धन तब तक नहीं निकाल सकती जब तक वह विनियोग विधेयक पारित न कर दे। उसके लिए उसे संसद में स्वीकृति लेना पड़ेगी। देखिए, दूसरा पॉइंट है, सरकार द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया गया बजट संसद में स्वीकृति के लिए रखना पड़ता है। आरंभ में संसद लेखानुदान के माध्यम से सरकार को वित्त की आपूर्ति करवाता है, फिर पूरे बजट को। तो देखिए, कुछ मैंने पॉइंट बनाए हैं, आप भी आपको ये दिख रहे होंगे। सरकार द्वारा कोई नया कर लगाने का परिवर्तन करने के लिए संसद, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई वित्तीय, तो आप ये पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए अगली बात करते हैं अपन संसदीय नियंत्रण की सीमाएं क्या क्या हैं। देखिए, पॉइंट वाइज मैंने बनाया, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे आपको पीएससी में। संसद के पास समय का अभाव होता है और विधान सम्बन्धी कार्यों का पहल ही बोझ होता है, जिसके कारण वह कार्यपालिका पर उचित नियंत्रण नहीं रख पाती है। दूसरा पॉइंट है, बजट पर अनुदान की मांग निर्धारित समय से पूरी न हो पाने के कारण 26वें दिन वोटिंग के माध्यम से सभी विनियोग को प्राप्त करना, से द्वारा सार्वजनिक वित्त की जांच, व्यय के वित्त होने के पश्चात करना, संसद को करों को खत्म करने के कम करने का अधिकार देना परंतु करों की राशि में वृद्धि करने का अधिकार कम, और कार्यपालिका का लोकसभा में बहुमत होने के कारण वित्त संबंधी किसी भी मुद्दे पर सत्ता पक्ष संसद पर प्रभावी रहता है और सार्वजनिक वित्त पर उचित नियंत्रण रखता है। देखिए, अपने दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अगली बात करते हैं प्राकलन समिति क्या है। देखिए, भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई की अनुशंसा पर सन 1950 में सिफारिश संसद द्वारा प्राकलन अनुमान समिति का गठन किया गया। इस समिति के कुल सदस्यों की संख्या 30 है और सभी सदस्य लोकसभा में अनुपातिक मत प्रणाली की एक संक्रमणीय मत प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं। सभी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। समिति के सदस्यों में से ही सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो सत्तापक्ष होता है। देखिए, समिति के कार्य क्या क्या हैं। अनुदान समिति का प्रथम कार्य प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए उचित सुझाव देना, ऐसी नीति का पालन करने का सुझाव देना जो प्रशासन के कार्य में कार्यकुशलता लाए। तीसरा पॉइंट है, अनुमान समिति इस बात को देखती है कि प्रशासनिक क्रियाओं में लगाया गया धन अनुमानों में निहित सीमाओं के अंतर्गत व्यय किया जा सकता है। देखिए, चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, अनुमान समिति अपने कार्य को पूरा करने के लिए कई उप समितियों का गठन करती। उप समितियों को किसी भी प्रकार कार्य सौंपा जा सकता है, उनके द्वारा किए गए प्रतिवेदनों का वही मूल्य होगा जो प्राकलन समिति के प्रतिवेदनों का होता है। यह संसद में प्राकलन किसी प्रकार रखे गए इस संबंध में राष्ट्र को सलाह देती। तो देखिए, ये प्राकलन समिति का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। ये प्राकलन जो समिति अपनी क्या क्या मूल्यांकन करती है उसके बारे में, अनुमान समिति के सदस्य द्वारा व्यक्ति होते हैं जबकि इसके कार्य की प्रकृति विशेषज्ञों की मांग करती है। सरकार अनुमान समिति की सिफारिशों पर विशेष ध्यान नहीं रखती, लोकसभा के क्षेत्र के ऊपर हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है। इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते इस कारण पूर्ण रूप से संसदीय समिति नहीं। ये अधिकांश समय अपना ध्यान प्रशासनिक व संगठन सुधारों के सुझाव में ही लगा देती है और मुख्य कार्य से भटक जाती है। देखिए अब लोक लेखा समिति, कार्यपालिका पर वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के लिए सन के उद्देश्य से सन 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना की गई। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा होते हैं। देखिए, समिति के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की एकल संक्रमिता मत पद्धति पर किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, अध्यक्ष सत्तापक्ष का होता है, नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 1967 में समिति का अध्यक्ष पक्षी दल का कोई सदस्य होता है। के बाद मतलब समिति के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, देखिए प्राकलन को अपन ने देखा था, प्राकलन समिति के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। देखिए, भारत सरकार के व्यय में सभी लेखाओं की जांच करना, नियंत्रण और मालिका परीक्षक के द्वारा परीक्षण किए गए विनियोग लेखों और वित्त लेखाओं की जांच करना, इस बात की जांच करना कि वे राशि व्यय की गई वह स्वीकृति राशि से ज्यादा तो नहीं है और व्यय उचित प्राधिकारी द्वारा उचित सेवा में ही किया जा रहा है। बजट में स्वीकृति राशि से ज्यादा राशि खर्च होती है तो उसकी गंदा से जांच करना। और फिफ्थ पॉइंट अपना, यह समिति अपने कार्यों के संपादन के लिए उन अधिकारियों को बुला सकती है जिनको इसको आवश्यकता है और ऐसे अभिलेखों की मांग कर सकती है जिनकी उसे जांच के कार्यों में आवश्यकता हो। तो देखिए, अपने लोक लेखा समिति के भी कंप्लीट हो गई है। देखिए, लोक उपक्रम समिति की बात कर लेते हैं। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संसद द्वारा 1964 में लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया। देखिए, इस समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 7 सदस्य सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के आधार पर किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, 1 वर्ष होता है कार्यकाल सदस्यों का।
अध्यक्ष सदस्यों से ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, प्राय सत्ता पक्ष होता है। तो कार्य क्या है इसके? नियंत्रण महिला का महालेखा परीक्षक द्वारा लोक उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना, भारत सरकार के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के व्यय लेखाओं की जांच करना, सार्वजनिक उपक्रमों का संचालन कुशलता से इस प्रकार किया जाए कि वह वाणिज्यिक लाभ का हो। देखिए ये टॉपिक जो है अपना अब कंप्लीट होने ही वाला है। देखिए इसमें अपन फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के संदर्भ में सभी कार्य करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए, ऐसी सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना जिसके लेखा कंपनी अधिनियम के अनुसार संसद के समक्ष प्रस्तुत।